सीधा सा आठ यहां पर प्रदीप का, हालांकि रन सिर्फ एक मिलेगा। फुल टॉस बना के मारा हवा में, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं होगा बॉल। और पटकी गेंद थी, उसको ऑफ साइड में हल्के हाथों से खेला, फिर से पटकी गेंद ऑफ साइड में, उसको कट कर दिया है। कवर बाउंड्री की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद फील्ड होता था। मंदीप एक बार फिर, अब की बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, उसके हल्का हल्के हाथों से खेला। जब तक गेंद फील्ड होता ऑफ साइड में जाकर के दो रन और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे किए विकेट के बीच में। चले प्रदीप देवड़ा के लिए, अब की बार लेफ्ट साइड में फ्लिक करना चाहते थे, बॉल आउट। चले पहली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर हल्के हाथों से कट करने की कोशिश, हल्की सी मिस फील्ड वहां पर, लेकिन रन की कोई गुंजाइश। और सभी गेंदबाजी कर रही हैं। एक बार फिर अब की बार आगे निकलकर क्रॉस द लाइन चले गए, स्टंप आउट की अपील, और जी हाँ आउट। तीसरा झटका पर बल्लेबाज अपना नाम बताएं, अगर साक्षी यादव है तो हाथ ऊपर करें, अगर बल्लेबाज साक्षी यादव है तो कोई इशारा दे वहां से। ऑफ द स्पिन बॉलिंग, पटकी हुई गेंद, उसको कट करने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग, अच्छा करो वहां पर, कोई रन नहीं। ये पीछे थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ गेंद, इसको कट कर पॉइंट की दिशा में एक रन चुरा लिया बल्लेबाज ने और अपना खाता खोला। करनी होती है गगनदीप कौर एक बार फिर, अब की बार अच्छी गेंद, सीधा मैच से टकराई अपील वहां पर, विश्वास में उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, एक रन और इसी बीच पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सुप्रिया पांडे के लिए फ्लाइट फ्री गेंद, आगे निकलकर उसको उठा दिया है मिड ऑन की दिशा में, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, अच्छी कोशिश वहां पर फिल्टर के द्वारा, लेकिन गेंद देखना है अंपायर के फैसले का इंतजार। बहुत दो रन पूरे कर लिए थे, तीसरा रन लेना चाहते थे, रन आउट के रूप में अपना विकेट गवाकर थोड़ी दिन की राह पर, काफी अच्छा स्ट्रोक लगाया था, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। छोर की ओर से चले पहली गेंद, लंबाई भरी गेंद, गेंद थोड़ा सा नीचा रहा विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज अब की बार ऑफ स्टंप के बाहर, प्रदीप सिंह एक बार फिर, अब की बार क्रॉस द लाइन, गेंद पैड से जा टकराई, हल्की अपील वहां पर, सीधा मंदीप एक बार फिर, अब की बार बैक टू द बॉलर, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन उन्होंने गेंद को थोड़ा पिक किया। चले अनबॉल के लिए, अब की बार कट करना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, गेंद और बल्ले का फिर ओवर लेकर, ये गेंद उसको कट करना चाहते थे, अब की बार उसको आगे बढ़कर उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की दिशा में गई, जब तक गेंद ऑन फील्ड होकर दरवाजे के फायदी गेंदबाजी की है दिल्ली बुल्स के लिए। देखना है अनमोल के सामने क्या करते हैं। बार फिर अब की बार फिर से क्रॉस बॉल आई उस दिशा में, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रे,
गगनदीप कौर एक बार फिर से अनमोल के लिए, अबकी बार फिल्डोस को लेकर फिर से उसी दिशा में एक और चौका। तो लगातार एक के बाद अबकी बार फिर से उसी दिशा में एक और स्ट्रोक, लेकिन अबकी बार फील्डर मौजूद वहां पर, गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, एक रन और। चले एक बार फिर सामना करेंगे सुनीता, आगे निकल कर वहां पर कवर की दिशा में उछाल करके खेला, कोई फिर खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद एक टप्पे के बाद फील्ड होती हुई, एक रन और पिछली गेंद में सुनीता ने बढ़ा लिया, एक बार फिर मंदीप यादव के बाद बॉलर बैंक, बार फिर अंपायर को पार किया ये गेंद, अब की बार फिर से ऑफ साइड में बहुत ही करारा स्ट्रोक है, शानदार प्लेसमेंट, जब तक गेंद फील्ड हो गए वहां से थ्रो आता, दो बार दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल दी दिल्ली की गेंदबाजी की। मंदीप सिंह एक मरतबा फिर अब की बार इसको, मंदीप एक बार फिर और दस्टिक आई, अब की बार फिर से फ्लिक करना चाहते थे, गेंद बल्लेगा किनारा किनारा लेकर वापिस, एक बार फिर से अब की बार फिर से उसको ऑफ साइड में खेला, वहां पर रनआउट का चांस था, खराब थ्रो, अच्छा बैकअप कप्तान के द्वारा। 18 गेंदों पर पहली गेंद, बैक टू द बॉलर अनिल गंग खुद आए थे, अब की बार ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, फिर से अब की बार फिर गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के पीछे, विकेट कीपर जब तक गेंद को जिस तरीके से छोटा बॉल कितना बढ़िया कलाइया लेके तेज किया था लागेश्वर की, कलाइयों के सारे खेला सुनीता ने खेलना चाहते थे और स्टंपिंग की अपील, यहां पर एलबीडब्ल्यू की अपील हो रही है, लेकिन अंपायर पर उस अपील का कोई प्रभाव नहीं। ये बॉल लगे सबके बाहर, व्हाइट बॉल, जी हाँ, बॉल के पेस को यूटिलाइज करना चाहती थी, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, छोटा किया था बढ़िया पुलिस, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है पूरे 6 विकेट के अंतराल से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, गेंदबाजी ओवरऑल परफॉर्मेंस यहां पर चेन्नई सुपरस्टार्स की, और अगला मैच होगा, दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 तैयार रखें, हालांकि अभी समय है, धन्यवाद देंगे हम हमारे सम्मानित अंपायर, अंपायर मोहम्मद रफी साहब थोड़े से अस्वस्थ हैं, मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और सुनील चौहान जी जो कि स्पेशल पिछले मैच से जो परफॉर्मेंस है बच्चों चला गया है, यही सोच है आपका होम ग्राउंड भी है, फिर से मैच को बड़ी बातें जानते हैं आपने देखा कि जितने ये टूर्नामेंट है जो जीत का आधार रही वो लड़की परफॉर्मेंस थी, आप टीम को किस नजरिए से देख रहे हैं? हमारे टीम भी बैलेंस है, हमारे लेकिन हम जितना भी होगा
सर अगर आप थोड़ा सा खुल के और साथ में बल्लेबाजी करते हो तो इस पर आप 10-11 मिनट की आराम से बना सकते हो, यानी कि 189 रन आप आराम से बना सकते हो ताकि दूसरी टीम पर हम प्रेशर डाल सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम लोग भी टॉस जो पहले बैट पल्ले जी करते हैं तो आ गए हैं तो हम लोग बिल्डिंग में पूरा एफर्ट करेंगे और बॉल जाल पिच का लग रहा है गेंदबाज के लिए कुछ कुछ है नहीं नहीं बल्लेबाज जी के लिए अच्छी विकेट है बॉल पर के लिए तो बॉलर सब अपनी पूरी कोशिश करके अच्छा बॉल डालेंगे। कितने स्कोर को फेवरेबल मान रही है? हम लोग कम से कम जितना हो पाएगा उतने में ही इनकी टीम को आउट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों टीम फ्रॉम द सेक्टर टीम गोवा कैंडल फॉर द टॉप एंड डिसाइडेड टू बैक। धन्यवाद।